नमस्कार दोस्तों, पूर्णिया में फूड पार्क बनने वाला है। क्या आप जानते हैं कि वो फूड पार्क कहाँ बनने वाला है? मैं उसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ फूड पार्क बनने का प्रस्ताव पास हुआ है। दरअसल 5 अप्रैल को नगर निगम के सशक्त अस्थायी समिति की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि पूर्णिया में फूड पार्क का निर्माण करवाया जाए। हालांकि सशक्त अस्थायी समिति ने उस दिन बैठक में कई सारी योजनाओं पर निर्णय लिया है, कई सारे प्रस्ताव पास किए हैं, लेकिन जो फूड पार्क का निर्माण करवाना है तो वो फूड पार्क का निर्माण कराया जाएगा राजेंद्र बाल उद्यान के सामने। मैं उसी राजेंद्र बाल उद्यान के सामने खड़ा होकर ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि ये राजेंद्र बाल उद्यान है। और यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके जीर्णोद्धार के लिए 2012 में तकरीबन 1,75,97,300 रुपये खर्च किया गया। और इसके सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार के लिए, यानी राजेंद्र बाल उद्यान के लिए, 2.25 करोड़ की राशि 2012 में खर्च की गई। लेकिन मौजूदा वक्त में इसकी क्या स्थिति है, जिसके सामने फूड पार्क का निर्माण करवाया जाना है, उस राजेंद्र बाल उद्यान का रखरखाव किस तरीके से किया जा रहा है, मैं यही देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए आज मैं राजेंद्र बाल उद्यान में प्रवेश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं टिकट काउंटर पर आऊँगा। कौन बैठते हैं यहाँ? आप बैठते हैं, आइए कुछ जानकारी दीजिए हमको। हम जानना चाहेंगे कि कितने कितने रुपए का टिकट है यहाँ और कितने घंटे के लिए है। ये जो है 10 वाला है, जो 12 साल से प्लस है, ये 10 वाला है। अच्छा, ये 10 वाला टिकट है, ये कितने घंटे के लिए है? ये आपका 10 बजे से लेकर 5 बजे संध्या तक खुली रहती है काउंटर। इतने देर तक 10 रुपए के टिकट में रह सकता है, पार्क में घूम सकता है। हाँ। ये 12 वर्ष से ऊपर के बच्चे के लिए है। हाँ। ऊपर से व्यक्ति, बच्चा रहे, बुजुर्ग रहे, जो भी रहे। और 12 वर्ष से नीचे, 3 वर्ष से 12 वर्ष तक का बच्चा के लिए 5 रुपए। आप हमको यह भी बताइए कि आज संडे है। हाँ। और आज के दिन कितना बुकिंग होता है? कोई लिमिट नहीं है सर। अनुमान, एक अनुमान बताइए ना। हम अनुमान पूछ रहे हैं आपसे, कितना होता होगा, कितने लोग यहाँ घूमने आते होंगे रविवार के दिन? रविवार के दिन आपका चल मतलब 1,000-1,200 आदमी, लेकिन फिक्स नहीं है कि आना ही है। आना ही है। हाँ। और अन्य दिन? अन्य दिन अभी थोड़ा कम है, लेकिन आते हैं। अभी तो शुरू 26 जनवरी से चालू ही हुआ है, ये बहुत कुछ दिनों से बंद था। अच्छा। तो अभी बहुत आदमी को जानकारी नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? अमित कुमार। आप नगर निगम के द्वारा यहाँ पर? नहीं, वन विभाग में है। आप वन विभाग के द्वारा है? हाँ हाँ। तो आप मानदेय पर हैं या फिर आपका परमानेंट जॉब है यहाँ? अभी तो हम लोग परमानेंट नहीं है, मानदेय पर है। हाँ। डेली बेसिस। हाँ, डेली बेसिस। हमको अंदर घुमाने के लिए कौन ले जाएंगे? हम घुमा सकते। आप जाएंगे? क्या नाम हुआ आपका? इंद्रजीत ठाकुर। इंद्रजीत ठाकुर, चलिए हम लोग चलते चलते कुछ बातचीत भी करेंगे। ये आइए, ये राजेंद्र बाल उद्यान के भीतर ये पीने का पानी व्यवस्था किया गया है। और ये देखिए, ये नल है, पानी चल रहा है, यहाँ भी पानी चल रहा है, ये दो नल यहाँ पर टूटा हुआ है। ये पानी बताइए, फिल्टर है पानी क्या? नहीं, फिल्टर नहीं है। ये पानी कैसे यहाँ पर आता है? ऊपर टंकी लगा हुआ है। ऊपर में टंकी लगा हुआ है। हाँ। मोटर से आप पानी टंकी में डालते हैं और हाँ। वही टंकी का पानी यहाँ आता है। हाँ। यहाँ ये तो पीने वाला पानी है ना, ये जो बनाया गया है पीने का पानी बनाया गया है। पीता भी है इससे पानी, पानी पीता भी है। तो देखिए कि ये टंकी का पानी यहाँ पर लोग पी रहे हैं। ये लोग यहाँ पर जो घूमने आते हैं वो टंकी का पानी पीने पर मजबूर है। और ठीक इसके सामने में मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ट्यूबवेल भी लगा हुआ है। ट्यूबवेल जो लगा हुआ है वो देखिए कि उस ट्यूबवेल की स्थिति को देखने से ऐसा लगता है कि ये ट्यूबवेल कई वर्षों से बंद है। क्या आप कब देखे हैं इस ट्यूबवेल को चलते हुए? हम तो 26 जनवरी से उद्घाटन हुआ है अभी। इस 26 जनवरी को? हाँ, उद्घाटन हुआ है पार्क का। पार्क बंद पड़ा हुआ था। पार्क तो बहुत दिन से है यहाँ, दशकों से है पार्क। पार्क बंद था बहुत दिन से, ये 26 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ है। 26 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ है। हाँ। रंग रोगन भी उसी समय किया गया। हाँ, है। हाँ। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया और बोर्ड देखकर आपको बताया था कि 2.25 करोड़ की लागत से इस पार्क का जीर्णोद्धार करवाया गया था वर्ष 2012 में। उसके बाद कई वर्षों तक
पार्क में लोग घूमने आते थे, लेकिन पिछले साल पार्क किसी कारणवश बंद हो गया था और उसके बाद इस पार्क को इसी वर्ष यानी 2023 में 26 जनवरी के दिन इस पार्क का उद्घाटन किया गया दोबारा, और उस दिन इस पार्क को खोल दिया गया आम लोगों के लिए, आम लोग यहाँ पर घूमने के लिए आना शुरू कर दिए उस दिन से। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए, उनकी प्रतिमा लगी हुई है यहाँ पर। यहाँ पर रख रखाव के लिए कितने लोग कार्यरत हैं? 10 लोग कार्यरत हैं। हाँ। ये 10 लोग सभी वन विभाग से हैं? हाँ, वन विभाग के पास। इसमें नगर निगम के कोई कर्मचारी नहीं? नहीं, 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 नगर निगम वन विभाग के हैंडओवर है। हाँ। तो वन विभाग के कर्मचारी, वन विभाग द्वारा आप लोगों को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। जी जी। तो ये 10 लोग जब यहाँ पर हैं, तो आप हमको ये बताइए कि जब 10 आदमी यहाँ पर कार्यरत है, तो फिर ये राजेंद्र बाबू की प्रतिमा पर इस तरीके से धूल क्यों जमा हुआ है, वो ये बताइए। जब 10 आदमी यहाँ पर कार्यरत है आप लोग, तो ये क्यों है, धूल जमा हुआ क्यों है? इनका ही पार्क है, इनके ही नाम से पार्क है जी। और सबसे बड़ी बात है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं हमारे, उनकी प्रतिमा की साफ सफाई क्यों नहीं करवाते हैं आप लोग, ये बताइए। साफ सफाई करता है अभी, ये अंदर में कर रहा है साफ सफाई, इसके बाद करेगा यहाँ पे। ये तो डस्ट तो उड़ता है, यहाँ बगल में गाड़ी चलता है इधर से दोनों साइड से, तो ये डस्ट उड़ता है तो इस पर आ जाता है। इसको फिर वो करेगा, साफ सफाई करेगा सब, तो वो अंदर में कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे करेगा। सुबह में किया होगा, फिर गाड़ी सब चलता है, इतना चलता है सारा इस नहीं, ये है। प्रतिमा का ऊपर का भाग भी देख के देखिए आप, राजेंद्र बाबू की टोपी को आप देखिए कि टोपी पर धूल जमा हुआ है। ये एक दिन का धूल नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक दिन का धूल, ये साफ होता है। ये दोनों साइड गाड़ी चलता है, इसका गाड़ी का डस्ट पूरा उड़ उड़ के यहाँ पे आता है, सब जगह आता है। ये साफ तो सुबह में होता है, दिन में 4 बार करता है साफ, 10 बार का है। यहाँ अंदर में भी साफ करता है, ये देखिए इधर। चलिए अंदर और भी हम लोग घूम के देखते हैं। देखिए ये इस पार्क में झरना भी बनाया गया था, और ये झरना 2012 में ही बनवाया गया था। ये झरना अभी नहीं चल रहा है? नहीं नहीं चल रहा। क्यों? ये इससे पहले जो था ना, इसमें ये वन विभाग के तरफ से तो 26 तारीख को आया, 26 जनवरी से। हाँ, 26 जनवरी से स्टार्टिंग हुआ है, इससे पहले से ही बंद है ये। उससे पहले से ही बंद है? हाँ। आप देख भी सकते हैं, इसको देखने से ही ऐसा प्रतीत होता है कि ये बहुत दिनों से बंद है, वर्षों से बंद है, जबकि यहाँ पर ये झरना बनाने के लिए लाखों खर्च किया गया होगा। मरम्मती की वजह से आज वो लाखों रुपया यहाँ पर बर्बाद होता नज़र आ रहा है, और मैं यही सब दिखाने के लिए आज राजेंद्र बाल उद्यान आया हूँ। और भी कई चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, और ये दिखाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि अब राजेंद्र बाल उद्यान के सामने फूड पार्क का निर्माण करवाया जाएगा। तो जब राजेंद्र बाल उद्यान, जहाँ पर कि करोड़ों रुपये खर्च की जाती है, उस राजेंद्र बाल उद्यान का जब रखरखाव नहीं हो पाता है, तो फिर जब फूड पार्क का निर्माण होगा तो उसका रखरखाव किस तरीके से किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम राजेंद्र पार्क आए हुए हैं। हेलो भाई साहब, कहाँ से हैं आप? मिल्की यहाँ पार्क में घूमने आए, क्या सब देखने के लिए मिला पार्क में? बस ये थोड़ा तबीयत खराब है ना, इसीलिए लेके आ गए। नहीं, आपको इस पार्क में क्या सब सुविधा मिली? कुछ सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ छांव में बैठे आप जी। चलिए, ये पार्क है और इस पार्क में झूले भी लगे हुए हैं, बच्चों के खेलने का भी बहुत सारा सामान यहाँ पर लगा हुआ है, बच्चे यहाँ खेलते भी हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में उन सभी चीज़ों का स्थिति कोई अच्छी नहीं है, वो सब कुछ बर्बाद होता दिख रहा है यहाँ पर। आप देखिए, ये डस्टबिन है, ये डस्टबिन है, और ये डस्टबिन का क्या हाल है ये देखिए। ये सरहुल पूजा, यहाँ पर आदिवासियों का एक पूजा होता है, सरहुल पूजा होता है, उसी पूजा का ये स्थल है। यहाँ पर सभी लोग आते हैं, आदिवासी समुदाय के लोग, और यहाँ पर पूजा करते हैं, और सरहुल महोत्सव बड़ा ही धूमधाम से आदिवासी समुदाय के लोग मनाते हैं। मैं आगे और भी दिखाऊंगा, यहाँ पर एक तालाब भी है, जिस तालाब में उस वक्त नाव लगवाया गया था, लेकिन मौजूदा वक्त में उस नाव की क्या स्थिति है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि बच्चे का खेलने का
सामान यहाँ पर खुला पड़ा हुआ है, जबकि इसमें बच्चे पहले खेलते थे, लेकिन आज वो सामान सारा का सारा खोल के रख दिया गया है। अब देखिए, ये देखिए, ये कैंटीन है और ये कैंटीन भी बहुत दिनों से बंद है। आप देख सकते हैं कि ये टाइल्स भी इसका टूट चुका है, ये इस बात का सबूत है कि ये बहुत दिनों से बंद है। पूरा कचरा भी देख सकते हैं आप, फैला हुआ है, ये बहुत दिनों से बंद है, जबकि इस कैंटीन में इस तरीके की व्यवस्था उस वक्त थी जिस वक्त इस पार्क का जीर्णोद्धार हुआ था, यानी 2012-13 के बाद इसमें वो सारी व्यवस्थाएँ थी कि लोग यहाँ पर पानी खरीद के पी सकते थे, यहाँ पर जो चाय पी सकते थे, नाश्ता, ये सारा कुछ इसमें था, लेकिन ये सब कुछ अब धीरे धीरे समाप्त हो चुका है और यहाँ पर ये सब कुछ नदारद है। देखिए, बच्चों के खेलने के लिए या फिर जो भी लोग घूमने आते हैं उनकी सुख सुविधा के लिए उन्हें झूला का झूला बनवाया गया है, ट्रॉली बनवाया गया है, बहुत सारे चीज़ का निर्माण यहाँ पर करवाया गया है। ये हालांकि 26 जनवरी 2023 का 23 को इसका उद्घाटन हुआ है और उससे पहले यहाँ पर रंग रोगन किया गया है, मरम्मति करवाई गई है, तो अभी सब कुछ नया नया दिख रहा है, लेकिन ऐसी हालत नहीं होती है। मैं आपको यहाँ पर पेड़ पौधा भी दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, हालांकि अभी इसकी सिंचाई की जा रही है। हमको ही बताइए आप कि आपको यहाँ पर बहाल कौन किया है? हमको मुकेश जी। मुकेश जी, यहाँ जो सुपरवाइजर है वो आपका बहाल, आपकी बहाली करवाया है? तो आप कितना वेतन मिलता है? 10,000 रुपया। तो इसमें आपका, आपको कौन कौन सा काम करना पड़ता है इसमें यहाँ पर? हम गार्ड हैं, नाइट गार्ड हैं। आप नाइट गार्ड हैं, लेकिन अभी तो आप पेड़ पौधों की सिंचाई कर रहे हैं। हाँ, सिंचाई कर रहे हैं। है? तो क्या इसके लिए आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलता है क्या? नहीं मिलता है, है? नहीं मिलता है, एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलता है। ये पेड़ पौधा कब लगाया है? लगभग भाई लगभग 15-20 दिन। 15-20 दिन? हाँ, यानी उद्घाटन के बाद ही लगा। हाँ, है ये जो भी कतार में लगा हुआ है पौधा? उद्घाटन के बाद लगा है। यहाँ पर कितने कर्मचारी आप लोग काम करते हैं? भाई लगभग 8। आपका क्या नाम हुआ? मुकेश। आपकी बहाली यहाँ पर कैसे हुई है? हम लोग क्या ये सब मतलब हम लोग कैसे? वन विभाग के द्वारा है या नगर निगम के द्वारा है? वन विभाग के द्वारा है। तालाब की क्या स्थिति है हमको ये बताइए, तालाब में आप लोग क्या व्यवस्था? तालाब तो बहुत खराब था, अभी हम लोग देखिए इसको जंगल पूरा साफ किए हैं, फिर और पूरा लगल है इसमें साफ करने के लिए। ये रंग रोगन सब जो हुआ है, इसके बाद जब तक तालाब साफ नहीं करेंगे, इसका बोटिंग भी आएगा, लेकिन पहले पानी डालेंगे, इसके बाद कुछ करेंगे, पहले जंगल साफ कर लेते हैं। हाँ बोलिए। जब उद्घाटन हुआ 26 जनवरी को, उद्घाटन से पहले ये रंग रोगन किया गया था या बाद में? उद्घाटन के समय में। हाँ, उद्घाटन हो गया था, मतलब उस चल ही रहा था काम, उद्घाटन हो गया उसके। ये बोट भी पहले का ही है? हाँ, बोल तो पहले का। आप लोग जो नया जो आप लोग को प्रभार मिला है उसके बाद ये बोट नहीं आया है? नहीं है? नहीं। तो इसमें बोट पड़ेगा, आने वाला है? आने वाला है, आने वाला है। पहले आप इसमें क्या करेंगे? अभी जंगल साफ करके इसके बाद पानी छोड़ेंगे, इसके बाद बोट आएगा। देखिए कब तक बोट देगा, बोट देगा। देखिए, मैं यही दिखाने के लिए आज राजेंद्र बाल उद्यान में आया हूँ और आप देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, पीने का पानी की व्यवस्था करवाया गया है या फिर सिंचाई के लिए यहाँ पर पाइप डाला गया है, लेकिन इसकी क्या स्थिति है वो आप देख सकते हैं। अब देखिए इस तालाब को, ये तालाब 2012 में ही इसका निर्माण करवाया गया था और उस वक्त वो सामने जो आप बोट देख रहे हैं वो बोट 2012 में ही खरीद की गई थी उस बोट की, और कुछ दिनों तक इसमें बोटिंग किया भी। जो व्यक्ति यहाँ घूमने आते थे उस वक्त वो सभी लोग आनंद भी लिए इसमें बोटिंग का, लेकिन कई सालों से वो बोट ऐसे ही खराब पड़ा हुआ है। लेकिन जब 26 जनवरी 2023 को इसका उद्घाटन हुआ है उसके बाद से यहाँ पर साफ सफाई, इसका रंग रोगन, मरम्मति का कार्य सब किया जा रहा है। हालांकि इसकी मरम्मति की जा रही है, लेकिन सवाल उठता है कि आज ये मरम्मति क्यों की जा रही है? इतने दिनों तक मरम्मति क्यों नहीं हो पाई थी? क्योंकि वर्ष 2012 में ही इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था 2.25 करोड़ की राशि से और उसके बाद से
2023 में इसकी मरम्मति करवानी शुरू हुई और आज मरम्मति को आप देख सकते हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप काम किया जा रहा है, पेड़ पौधे भी लगाए जा रहे हैं। मैं अंदर जाकर आपको दिखाता हूँ, कुछ बोर्ड दिख रहा है हमें, मैं देखना चाहूँगा उस बोर्ड को और आपको भी दिखाना चाहूँगा कि आखिर ये बोर्ड है क्या। देखिए ये भास्कर चंद्र भारती DFO पूर्णिया, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा ये पौधा लगाया गया और उनका ये बोर्ड लगवाया गया। ठीक उसके बगल में वन संरक्षक CF पूर्णिया श्री AS कुमारा स्वामी, और ये नीम का पेड़ है, और ठीक उसके बगल में श्रीमती विभा कुमारी महापौर नगर निगम पूर्णिया, ये पेड़ 26 जनवरी को ही लगवाया गया है, उद्घाटन के दिन ही लगा है ना ये है? ये उद्घाटन के दिन ही यानी 26 जनवरी को ये पौधा लगवाया गया है और ये पौधा लगाने के बाद यहाँ पर बोर्ड लगा है। देखिए आप, ये विजय कुमार खेम का विधायक पूर्णिया सदर, ये सभी लोग यहाँ पर आए और पौधा लगाए और उसके बगल में बोर्ड लगाया गया पौधा का कि वो पौधा यहाँ पर लगाए। ये सबूत है इस बात का कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि आए, पदाधिकारी आए और यहाँ पर पौधा लगाकर इस पार्क का उद्घाटन किए। लेकिन चुनौती सभी जनप्रतिनिधियों के सामने खड़ी रहेगी कि इस पार्क का रखरखाव किस तरीके से हो रहा है और आने वाले वक्त में इस पार्क का रखरखाव कैसे संभव हो पाएगा। ये सभी जनप्रतिनिधियों के लिए चुनौती ज़रूर है, क्योंकि 2012 में जब इसकी मरम्मति करवाई गई उसके बाद अब तक इस पार्क का रखरखाव नहीं किया गया, जिसके वजह से जो भी यहाँ पर बच्चे के लिए खेलने का सामान लगवाया गया था, पीने का पानी की जो व्यवस्था की गई थी, वो सभी चीज़ टूट सा गया, सभी चीज़ नष्ट हो गया। और मैंने अभी आपको तालाब भी दिखाया, जो तालाब भी जीर्णोद्धार की बाट जो रहा है, और हालांकि वन विभाग को अभी ये सौंप दिया गया है राजेंद्र बाल उद्यान, और वन विभाग के द्वारा अभी इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है कि इसकी खूबसूरती और बढ़े, यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं की गई है, और आने वाले वक्त में और भी व्यवस्थाएं बढ़ सकती है। लेकिन बीते 12 वर्षों में जिस तरीके से इसका रखरखाव किया गया, यदि इसी तरीके से इसका रखरखाव आने वाले दिनों में भी किया जाता रहेगा तो फिर जो भी रुपया इसमें खर्च होगा वो कहीं ना कहीं पानी में ही जाता रहेगा, वो सभी रुपया सरकार का वो रुपया बर्बाद हो जाएगा। और ऐसे में जब पूर्णिया में फूड पार्क का निर्माण करवाया जाएगा और इसी राजेंद्र बाल उद्यान के सामने में फूड पार्क का निर्माण करवाया जाएगा, तो वो फूड पार्क का भी मरम्मति करवाना, उसका रखरखाव करना, वो भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं मुकेश सिंह आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।